नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 9। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर स्टोरी अनली'स रेनबो। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अवर लेट्स टॉक एक्टिविटी, लेट्स शेयर एक्टिविटी एंड से अलाउड एक्टिविटी, राइट? ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। So please turn your page number 106. Are you ready? You can see there is our let's do activity. It means we have to do something. अब हमें क्या करना है? कौन बताएगा? Okay. So now, please read the heading first. Okay. तो हम heading पहले read करेंगे और फिर हम देखेंगे हम इस activity में क्या करना है. Look at the picture below. Circle names of things that you can see in the picture. It means आपको यहाँ पे जो picture दिखाई दे रहा है, उस picture में से आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? कौन-सी things यहाँ पे आप देख सकते हो? तो यहाँ पे जो words दिए गए हैं, उस word पे आपको circle करना है, okay? तो पहले बच्चों आपको क्या करना होगा? You have to look at the picture carefully. जल्दी से पिक्चर देखो. Okay, now observe all things you can see there in the picture. Okay, are you ready? So first word is umbrella. तो चलो बताओ क्या आपको पिक्चर में अम्ब्रेला दिख रहा है? Can you see picture there? Yes, of course we can see umbrella there, right? तो हम क्या करेंगे first? We have to circle umbrella. आपको क्या करना है? Umbrella के ऊपर circle करना है. Okay, हो गया circle? Very good. Take your sharp pencil to do circle carefully. Okay, now the next word is puzzle. तो पुडल यहाँ पे आपको दिख रहा है? जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पुडल का मतलब क्या होता है. बारिश में, मींस कि रेनी सीजन में जो खड्डे भर जाते हैं ना, हाँ, पानी में, उसे कहते हैं पुडल्स. तो क्या आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कुछ? Yes, you can see the boy is jumping over there. It means you have to circle it. तो चलो जल्दी PUDDLE पुडल पे सर्कल कर दो. हो गया सर्कल? गुड, वेरी गुड. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रेनड्रॉप्स. RAINDROPS, रेनड्रॉप्स. कैन यू सी रेनड्रॉप्स हियर? अरे हाँ, यहाँ पे इस पिक्चर में तो रेनी सीजन दिखाई दे रही है. यू कैन सी देयर रेनड्रॉप्स एंड वन बॉय इज एंजॉयिंग रेनड्रॉप्स, राइट? तो चलो रेनड्रॉप्स पे हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. वेरी गुड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज HOUSE, हाउस. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर कैरफुली. कैन यू सी द हाउस देयर? Yes, we can see with red color and pink color. Yes, तो अब आपको क्या करना होगा? You have to circle house. HOUSE, house. Very good. Okay, now the next word is and the last word in this line. CAT, cat. Okay, now look at the picture. Can you see cat there? क्या आपको कैट दिख रही है? नहीं, यहाँ पे तो टाइगर. नहीं, टाइगर तो नहीं है. क्या है? कैट. यू कैन सी कैट देयर, राइट? तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू सर्कल कैट. जो भी थिंग्स आपको दिख रही है, यानी कि आप जो देख सकते हो वहां पे पिक्चर में, आपको उसे सर्कल करना है. वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट लाइन, पिक्चर की दूसरी साइड पे देखते हैं. द नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड यू कैन सी हियर, BOAT, बोट. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी, कैन यू सी बोट इन दिस पिक्चर? ओह नो, वी कैन नॉट सी.
सर्कल है, अब हमें सर्कल करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एमयूडी मड। मड का मतलब क्या होता है? यस, कीचड़ जो होता है ना, मीटर मिट्टी से बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस यू कैन सी, पुडल्स में होता है ना मड, पानी और मिट्टी दोनों साथ में मिक्स हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मड। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज सन, एस यू एन सन। कैन यू सी सन इन दिस पिक्चर? वेरी गुड, यू कैन सी दैट यू हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट वर्ड इज आर ओ एस ई एस, रोजेस। कैन यू सी रोज इन दिस पिक्चर? लुक इट केयरफुली, नो वी कैन नॉट सी, देन वी हैव टू सर्कल, नो वी डोंट हैव टू सर्कल इट। ओके ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पी ओ टी, पॉट। कैन यू सी पॉट? लुक इट केयरफुली, नो वी कैन नॉट सी, एंड द लास्ट वर्ड इज एम ए टी, मैट। कैन यू सी मैट इन दिस पिक्चर? नो वी कैन नॉट सी। चलो बच्चों, मैंने इस लाइन में कुछ मिस्टेक की है, कौन बताएगा? यस, बोट, बी ओ ए टी, बोट। बोट तो पिक्चर में आप देख सकते हो विद येलो एंड रेड कलर। वेरी गुड, तो आपको क्या करना है? इफ यू कैन सी द पिक्चर बोट देन यू हैव टू सर्कल इट। मैंने आपको कंफ्यूज किया था कि आप सर्कल करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मेरे गुड स्टूडेंट्स ने तो सर्कल कर दिया ना। वेरी गुड, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर लेट्स डू एक्टिविटी। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी वी विल स्टार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स इन लेट्स डू एक्टिविटी। देयर इज अ नेक्स्ट पार्ट एक्टिविटी हियर। सो फर्स्ट वी विल रीड हेडिंग, जॉइन द डॉट्स डॉट्स फ्रॉम द ए। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड, इट मीन्स फुल अल्फाबेट्स। ओके, इट मीन्स हमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स यहाँ पे क्या करना है, एंड सी व्हाट यू कैन डू क्रिएट। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, तो पिक्चर में जो आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुली। आपको फर्स्ट ए के बाद क्या आता है? बी, बी आफ्टर सी, सी के बाद डी। तो ऐसे आपको लाइन में डॉटेड लाइन को ट्रेस करते जाना है और एक मैजिक होगा, पता है क्या? यस, यू कैन सी देयर विल बी अ पिक्चर, एक नया सा पिक्चर क्रिएट होगा आपके ही डॉटेड लाइन को ज्वाइन करते ही। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ज्वाइन द डॉटेड लाइन, ऑल डॉटेड लाइन, एंड क्रिएट वन पिक्चर, एंड देन लुक एट द पिक्चर, विच पिक्चर इज दैट, यू कैन सी इट, राइट? ओके, तो फिर आप मुझे बताओगे ना कि आपने डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके कौन सा पिक्चर बनाया है, तो आप बना लोगे ना। सो दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट योर होमवर्क, यू कैन डू इट, राइट? ओके, एंड देन नाउ प्लीज ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 107। यस, आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट वी विल रीड द हेडिंग। ओके, इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया गया है, उस पिक्चर में पहले तो जो डॉटेड लाइन दी गई है उसे आपको ट्रेस करना है। हो गया ट्रेस? वेरी गुड, एंड देन आफ्टर ट्रेसिंग ऑल दिस लाइंस देन यू हैव टू कलर इट। मैंने आपको जो पहले का वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपको क्लियर बताया है कि रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं। सो टेक अ हेल्प
of the previous video and please color rainbow carefully with the colors. Okay, जो रेनबो में कलर्स होता है वही कलर्स को यूज करके यहाँ पे रेनबो में हमें कलर करना है. ओके, सो दिस एक्टिविटी ऑल्सो यू हैव टू डू एट योर होमवर्क. सो नाउ नेक्स्ट इज सी अलाउ द नेम ऑफ द कलर्स ऑन द रेनबो. तो अब अच्छे से कलर होने के बाद आपको सारे कलर्स को रीड करना है. ओके ओके, सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज कलर केयरफुली. So now, after completing this activity, there you can see next activity is let's write. So now next you can see we have to do let's write. It means we have to write something. तो यहाँ पे आप देख सकते हो there are some alphabets letter here S, T, U and V. अब आपको क्या करना है? You have to trace these letters carefully with your pencil and you have to write these letters in four line. आपको अच्छे से four line में यहाँ पे जो words आपको letters दिए गए हैं उसे अच्छे से write करना है. Okay? So please complete this let's write activity carefully with good handwriting. Okay? 108. There you can see it's a let's make a riddle. अब आपको यहाँ पे रिडल सॉल्व करनी है. हाउ यू कैन डू इट? तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी गई है. ओके, अब आपको करना क्या है? यूज एम और हैव इन द ब्लैंक्स. आपको ये तो पता ही है, हमने ग्रामर टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था कि आई के साथ हम कौन सा यूज करते हैं, आर्टिकल सॉरी एम यूज करते हैं और आई के साथ हैव यूज होता है. नाउ यू हैव टू मेक पुट हियर प्रॉपर इन द ब्लैंक्स. आपको एम और हैव का यूज करके ब्लैंक्स फिलअप करनी है. ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक इज आई ब्लैंक व्हाइट इन कलर. आई ब्लैंक व्हाइट इन कलर यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक है यानी कि आपको क्या करना है? आई एम ए एम एम आई एम व्हाइट इन कलर. मैं व्हाइट कलर में हूँ. कौन होगा? थिंक अबाउट इट. क्योंकि हमें क्या करना है? वी हैव टू सॉल्व दिस रिडल. एंड देन नेक्स्ट लाइन इज आई ब्लैंक टू आईज़. मेरे पास टू आईज़ है. इट मींस आई हैव टू आईज़. नो 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 नो, आई हैव टू आईज़. H A V E हैव. आई हैव टू आईज़. नेक्स्ट लाइन I have four legs and a short tail. मेरे पास four legs है and short tail यानी कि short छोटी सी tail है. किसके पास four legs होता है और tail भी है? It means it's an animal. एक idea तो हमें मिल गया कि वो animal है. I have four legs. Next is I blank wool on me. I have wool on me. मेरी बॉडी में मेरे ऊपर वुल होता है. वुल कौन से एनिमल में होता है? अब तो आपको आइडिया आते जा रहा है. I have wool on me. Now next is what am I? What am I? चलो बोलो. हमने पहले हु एम आई का चैप्टर कंप्लीट किया था वीडियो में ग्रामर में. अब तो आपको जल्दी आइडिया आ जाएगा. व्हाट एम आई? कैन यू गेस इट? यस, इट्स अ शिप. वेरी गुड. आई एम अ शिप. कौन है? आपको आंसर मिल गया. वेरी गुड. यू कैन सी दिस पिक्चर. आपको पिक्चर में भी शिप का पिक्चर दिख रहा है ना? Very good. So, our answer is ready. Okay. Now, dear students, after completing this blank, please fill up these answers in your textbook. Okay. Now, today we have completed our unit 9 story, Anandi's Rainbow. I hope you enjoy all the videos.
your textbook. Thank you. Thank you for joining us.